पहली बात यह है कि तुम्हारे जो पानी अंधेर मुँह बाटर उसमें है मैं मुँह का पुत्री अच्छा मैं पहली बात और बाकी काम रुक गया दो सौ किलोमीटर अच्छा 200 किलोमीटर प्लेन पानी मेरे प्लेन वोट किसको दोगे आप अभी सिंह एक करोड़ दे कोई बात तो भी होगा मैं सीट पहना बोल तो अच्छा कौन सीट पहले इन हो मेरी बात मेरी समझ मणी दे जाए मुझे वोट जी कर देखो मैं तो दिंदा तो कांग्रेस कर डामा डोल है समान कुत्ते मन तो बनायो को निकले आपने भी बना लिया मन या नहीं बनाया वोट देने का मैं तो फिर इन्हें दिया अभय सिंह नहीं और किन्ने दिया और बोलना पड़ी कौन बहने वाले कांग्रेस की कांग्रेस में कौन दिया क्या बहने नमस्कार दोस्तों, मैं मीर ढांडा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल द मोर्चा पर। आज हम आए हैं एलनाबाद के शाहपुरिया गांव में, तो यहां पे कुछ बुजुर्ग लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि कितने इनके गांव में वोट हैं और क्या क्या इनके गांव में समस्याएं हैं, अगर और काम की बात करें तो कितना विकास इनके गाँव के अंदर हुआ है। सबसे पहले तो मैं वोट पूछूंगा आपके गाँव में कितने वोट हैं। वोट 18-19 वोट है। अच्छा, तो कितने चलते हैं वैसे इलेक्शन का, जैसे टाइम होता तो कितने तो समस्या क्या क्या है? पहली बात यह है कि हमारा जो पानी अंधेर मुँह बाटर उसमें मैं मुँह फूट रहा सारा अच्छा मैं पहली बात बोल रही दूसरी बात है समस्या खाड़ गई जो है सेम नड़ गई है और बाकी मंत्री है काम डूब गया दो सौ किलो अच्छा क्या समस्या तो या तो मेन समस्या जब गांव में डूब जाता है हां गांव डूब जाता खड़ा काली गांव डूब जाता है ये तो 400 किला 200 किला भरे पड़ी है पानी भरे पड़े हम मजान में तो कुछ नहीं है खड़ा ऊपर पानी 11 वो है मनाई खड़ो वो सारा खाओ बैठ मैं खड़ा बगल पानी को नहीं रखता अगला दिन जरा ये मंत्र आगे बीजे को तो सरकार ध्यान नहीं दे रही है इसकी तरफ इसी हिसाब से इंद्र आ गया मेरा अब भी आया बहुत बड़ा भी आया मेरा मंत्री तेरी गांव पे भी करियो एक बात को बोले आधी घंटा बाद जो डीसी सरपंच गए हो बोले काम लुगा वो तो हमारी मदद तो बहुत करी बनी तो दो मोटर तो भाई पड़ी है तीन मोटर सुकड़ मजदूरी का मांग करी कंडो देगी है ये पानी उतर चला गया वो क्यों सेम नाला मुझे गिरी जब अगर माँ गिरे पानी जे मारो खाल साल तो है नहीं बैठ लो है तो लोग खेता माँ सर शिवपति पढ़ डाले तो अभी इलेक्शन है आपके हल्के में वोट किसको दोगे आप अभय सिंह अभय सिंह को अभय सिंह विधायक थे यहाँ से तो काम वगैरह किए हैं अभय सिंह ने किए एक करोड़ रुपये दिए गली गली जान दिया जी अच्छा गली गली जान आप किसको दोगे ताऊजी वोट वोट के भाई दे मेरी बात मेरे ना पहला कांग्रेस में अच्छा वोटिंग करती है अच्छा फिर आगे देखो की कहानी होगी अच्छा मेरे कांग्रेस ही कांग्रेस ही हो तो कांग्रेस का मतलब कांग्रेस पार्टी पसंद आए जो उम्मीदवार है कांग्रेस का पवन बहने वाला उम्मीदवार को नहीं पसंद उम्मीदवार नहीं पसंद आया अच्छा क्योंकि भाई भारत भी जब जो कांग्रेस ही पुराना बर्थो अच्छा मैं टीट में नहीं कोई कौन सी पहला इन हो तो ये मेरी बात मेरे सामने बनी दे दिया मोटी का तो एक चीज ने दे हो गया आप भाई तुरंत सलाह बनाई को जरूरत नहीं करती है अच्छा मेरे रह करांगा रामनी को छान के लिए करनी होगी ठीक है तो आप आप आपका भी मन मानता होगा ना कि मैं अभय सिंह ने देऊं को मैं कांडा ने देऊं को मैं बेनीवाल ने देऊं नहीं देखो भाई बात है नहीं पर गांव के लिए जाना पड़ा नहीं है गांव का शाग है तो बता दी ताऊ जी ने तो अभय सिंह ने देऊं भी बता देता हूं देखो भाई दिखे कितने के कांडा तो ताऊ ताऊ कह देंगे तो फिर आप तक कह देंगे बड़ी जुगती से जाओ से वोट मिलेगा देखा भाई वो तो मैं बात को नहीं मतलब विचार कर कर फिर देखो सारी समस्या सुनी तो नहीं आसमान हां जी सारी समस्या सुनी तो नहीं वो बताओ जी बताओ एक तो वो हो गयो एक खाल बनना जो मुश्किल हो गयो हमारी यहाँ खेती को नहीं हुआ एक इले पास है हमारे गांव का लगभग 400 और एक साल ऊपर हो गई मोटर भी खोला गई मतलब मंजूर मंजूर हो रही है काम भी हो रही है जिला जिला नहीं हमारा खेत सुधार किया जा रहा है ऐसे ऐ तो मौका मौका है मौका हो रहा है मारो वाटर सुधार दीजिए 1,01,73,000 73,00,000 मंजूर हो रहे हैं आई नहीं।
मतलब पीने के पानी की भी समस्या है। पीने के पानी समस्या है। हां तो बड़ी सेम हुआ है वाटर प्रॉब्लम। और तीसरा टैंकी मारे जरूरी मांग है। अरे भैया सोच समझ लिया। तो अब क्या हो गया एकदम? अभी क्या हो गया? हो गया कुछ बता दो फिर। वर्कर कभी करे? अच्छा मेरा आपके साथ। तो काम वगैरह आपके? काम ने नट जी तो ये बात है। काम ने नट गया नहीं जो तो कोई सोच के करा मत। नहीं तो इन्हें लोन दे हुए। हाँ लोन तो देंदा ही आया करे। सोच ये देखा ही वेनो लोन जाके कांडा ने जाके नहीं होता। मतलब अब की बार सोचने को मन हाँ, सोचने किसको दोगे वेट? अभय सिंह को दोगे। तो काम वगैरह करवाए हैं अभय सिंह विधायक थे यहाँ से? काम अपन की तो मुझे पसंद है बेसिंग। मतलब काम पे कोई लेना देना नहीं है। सदा बुढ़िया दंदा यार भैया। अच्छा घोड़ा के भगे हवा जामनो दंदा यार वोट दे रहा। सदा वन दंदा यार। ई बका मतलब आप तो पक्के कैंडिडेट हो अबे जी। चलिए ताऊ जी वोट किसको दोगे? वोट जी कर देखो मैं तो दंदा तो कांग्रेस ना है। ई कर डामाडोल है समान तो ते मन तो बनायो कोनी किनी डामाडोल क्या ते? देखो जी तो इते कोई कोई माने कहयो तो कोनी भी थे इने करियो बर सिंह ने टिकट मिलती तो मैं पहला तो कांग्रेस ने दंदा। मतलब बर सिंह ने मिल दी तो दियो कांग्रेस ने। ये वो फिर ये देखो जी मन बनायो कौन तुरते देखो तो बीजेपी ने दोगे या इनेल लोन दोगे? मतलब कांडा दोगे या अभय सिंह ने दोगे? अभय सिंह ने देश का जी देख क्यों कौन सका? अभय सिंह ने देश का बीजेपी ने देश का तुरते मन बनायो कौन कास तैयारी करा कि अंदर अंदर मतलब है। चलो फिर मन बनाओ जब बता देंगे जी। तो एक बुजुर्ग ताऊ जी हो रहे हैं शोर पूछ लेते हैं। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार। आपने भी बना लिया मन या नहीं बनाया वोट देने का? मैं तो फिर इन्हें ही दिया अभय सिंह नहीं और किन्ने दिया और बड़ा बड़ी दिया। और ये जोर पार्टी कांडा है बीजेपी ते बोन बहने वाले कांग्रेस की? कांग्रेस ने कौन दिया? अब इन्हें दोगे? हाँ अब इन्हें काम कुम करवाए हैं ना? कोई काम कौन करवाएगा? जूत खाएगा बधाई होगा काम कौन करवाएगा? पर बोर्डा देना फिर भी अब गाँव ही लिया दू। काम भी नहीं करवाए फिर भी वोट दोगे? हाँ वोट दूंगा। बर सिंह ने मिली कोई नहीं? डर तो कोई नहीं कोई चीज। मतलब बर सिंह ने नहीं मिली तो जात अब ऐसे हाँ हाँ कैंडिडेट ने टिकट नहीं मिली? हाँ मार्ग कैंडिडेट ने कौन मिली? तो दोस्तों ये थे हम शाहपुरिया गांव में अलनाबाद का शाहपुरिया गांव। और इस गांव में हमने जो बुजुर्ग थे हमारे साथ इनसे बातचीत की तो इस गांव में समस्या ही समस्या है और इतनी समस्या है जो अभी तक उनका एक साल से बोल रहे हैं ताऊ जी कि खेत इनके वो भी डूब रहे हैं। पानी पीने के पानी की समस्या है वो भी उसका भी अभी तक हल नहीं हुआ है। तो पूरी वीडियो देखो और इनकी काफ़ी परेशान है ये और एक साल से परेशानी में कि इनके जो खेत हैं वो भी डूब रहे हैं पीने के पानी की सुविधा वो भी नहीं है। और आपकी इसके ऊपर क्या राय है वो भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। हाँ भाई पेट भूख मरना रहता है जी। क्यों खुबियत सेम में आ गया इन्हें मारमो तो पड़ने को टपक पड़ा भूखा। तो ताऊ जी का कहना कि जो भूखे मरने तक के हालात हैं वो हो रहे हैं तो इनकी समस्या आप देखना है कि इनकी समस्या कौन सुनता है। अभी जो सारी पार्टी हैं सभी पार्टियां यहाँ पे आएंगी सभी पार्टियों के कैंडिडेट आए हैं यहाँ पे आएंगे तो देखना है कि जो इनकी समस्या है उनको कौन दूर करता है। आपकी इसके ऊपर क्या राय है वो भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और दा मोर्चा के साथ बने रहें और दा मोर्चा को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत जय हरियाणा।